बोले। आज हमारे पास प्रदीप जी और गौरव भाई यहाँ बैठे हैं और इन्होंने अपनी जो बात विघन की कही है तो मैं कहना चाहूँगा बहुत अच्छा लक्ष्य है इनका, बहुत अच्छा एम है इनका और बहुत अच्छे इनके विचार हैं, हमें सबको फॉलो करना चाहिए। वास्तव में आज वर्तमान में हमें दूध के बने प्रोडक्ट और दूध जो मिल रहा है बाज़ार में और डेयरियों पर उसकी तरफ नहीं हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बहुत नकली दूध भी मिलता है, नकली सामान भी मिलते हैं और जो रियल में गाय के पास से भी दूध मिल रहा है वो भी गाय को इंजेक्शन लगाकर या गाय को किसी प्रकार से मिलता है। जब गाय के थनों में जब हजारों गाय होती हैं डेयरी में, दोहने वाला एक दो होते हैं तो मशीन लगा के जब दूध निकाला जाता है तब वो गाय का जब दूध खत्म होता है, मशीन बंद नहीं होती है तो गाय का खून भी छलक जाता है और फिर गाय के थन भी काट दिए जाते हैं। सब बहुत विकृति हैं, इनसे बचना चाहिए। इतना ही हमें ख्याल रखना चाहिए, दूध पीने का अगर हमें मन है तो हमें गाय पालना चाहिए और रोज़ दूध धोना चाहिए और उसको बाकायदा घास देना चाहिए, अच्छे से अच्छा उसे भोजन देना चाहिए जिससे दूध हमको मिले और हम अपने दूध को जीवन को जीने का प्रयास करें। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने जो भी क्रिया आदर्श बनाया है वो आदर्श कभी झूठा नहीं हो सकता। बस इतना ही हमें ख्याल रखना है कि वर्तमान के प्रदूषणों से बचने का प्रयास करें और हम अपने जीवन में बहुत आनंदित बने। हमारे प्रदीप भाई का और भाई का जो लक्ष्य है और वो वास्तव में बहुत अच्छा लक्ष्य है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि अपने आकार को आगे बढ़ाएं और आप सब लोग जब भी दूध बाज़ार का पीने जाएं या बाज़ार से कोई भी मक्खन घी दही लेने जाएं तो उसे सोच समझ के ही लें, क्योंकि इनमें बहुत से जीवों की आहा है, बहुत से गायों के इसके अंदर बलिदान हो चुके हैं और बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो हमारे खाने योग्य नहीं है, बख्श नहीं है, उनसे बचे। रही मंगल में दोनों का आशीर्वाद। हाँ, और बाज़ार की जो भी पनीर है, बाज़ार की जो भी चीज़ें हैं उनसे बचने का प्रयास करें, क्योंकि आज जो हम लोग जिब्बा लोलुपी लोग हो चुके हैं तो हम थोड़ा परिश्रम कम करना चाहते हैं, बना बनाए बाजार से लाना चाहते हैं, परिश्रम करके आप उसको खाने का प्रयास करें और नहीं तो बाज़ार का बचने का प्रयास करें। ये भावना है मेरी और आप सबसे भी इतना कहूँगा कि आप जो भी आपका लक्ष्य है बहुत आनंद के साथ उसको पूरा जीवन जिए, मेरा बहुत आशीर्वाद है। और ऐसा ही लोगों का आपका शरीर को देख के मेरे को लगता है कि आप बिल्कुल फिट हैं और आपके अंदर एक बातों में दम है। गौरव भाई भी बिल्कुल, आप दोनों सब एक से ही हैं तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको हमें जीवन में बहुत आगे से बढ़ाना है। बताएंगे मेरा पूरा आशीर्वाद।